हरे कृष्ण। सो ऑन द 15th वर्स ऑफ द 14th चैप्टर ऑफ गीता एंटाइटल्ड द थ्री मोड्स ऑफ मटेरियल नेचर, कल हमें भगवान ने बताया कि सत्व गुण में अगर कोई व्यक्ति अपने शरीर को त्याग करता है तो किस प्रकार से वो ऊपरी लोकों में जाता है, जहां पर उसे सुख, ज्ञान और शांति का अनुभव होता है। आज के श्लोक में भगवान कहते हैं, अगर कोई व्यक्ति रजोगुण या तमोगुण में अपने शरीर को त्यागता है तो क्या होता है। कृष्णा सेज, रजसी प्रलयम गत्वा कर्म संगीषु जायते तथा प्रलीनस्तमसी मूढ़योनिषु जायते। When one dies in the mode of passion, he takes birth among those engaged in fruitive activities. And when one dies in the mode of ignorance, he takes birth in animal kingdom. So, भगवान कहते हैं, अगर रजोगुण में व्यक्ति कभी अपने शरीर को त्याग करता है, तो फिर वो ऐसे जगह पर जाता है जहां पर बहुत ज्यादा कर्मों की श्रृंखला है, अर्थात मध्य लोक, भूलोक, भूवर लोक। So, भू और भूवर, ये दो जो लोक हैं जहां पर बहुत ज्यादा देर इज इमेंस अमाउंट ऑफ एक्टिविटी, देर इज इमेंस अमाउंट ऑफ रजस, ये दिल मांगे मोर हैपेंस हियर। सो अगर कोई रजोगुण में, जैसे हमने कल भी देखा था, भगवान ने कहा था कि मध्य तिष्ठन्ति राजसा, मध्य बीच में अर्थात रजोगुण में जो कोई भी होता है वो भूलोक और भूवर लोक, हम जहां रह रहे हैं। और अगर कोई सत्वगुण में अपने शरीर को त्याग, अगर कोई तमोगुण में अपने शरीर को त्याग करता है, मूढ़योनि, यस मूढ़योनि अर्थात एनिमल्स, बर्ड्स, रेप्टाइल्स, एवरीवन एक्सेप्ट फॉर ह्यूमन बीइंग्स। हम देखते हैं बाकी सभी योनियों में देयर इज इंटेलिजेंस, बट इट इज नॉट सो रिफाइंड दैट द बॉडी स्ट्रक्चर इज ऑल्सो नॉट सो वेरी गुड दैट दे कैन एक्सेस एवरी बॉडी पार्ट ऑफ देयर बॉडी। हम देखते हैं कुत्ते को या किसी भी चार योनि के श्वपद को अगर कोई काटा लगा तो वो काटा निकाल नहीं पाएंगे अपने आप, लेकिन हम जैसे चलते हैं हम पूरे शरीर में अपने कहीं भी टच कर सकते हैं। यस, इफ वी आर फ्लेक्सिबल इनफ वी कैन टच एनी पार्ट ऑफ आवर बॉडी बिकॉज वी हैव हैंड्स। बाकी किसी को हाथ ही नहीं है, पैर है बस। इवन हम देखते हैं कीड़े या पक्षी, ये क्या करेंगे, दे कैन नॉट टच एवरी बॉडी पार्ट ऑफ देयर्स। इवन इफ अ ट्रैप इज लेड फॉर देम, दे फॉल इनटू दैट ट्रैप, वी ऑल्सो फॉल इनटू आवर ट्रैप्स। ये भी होता ही है, डेफिनेटली नहीं होता ऐसा नहीं है, बट आवर ट्रैप्स हैव टू बी मोर इंटेलेक्चुअल। उनके लिए हम देखते हैं भेड़े या मुर्गियां कटने से पहले आराम से रहते हैं, उन्हें कोई परवाह ही नहीं है, उनको बस खाने पीने से मतलब है, केवल अन्नमय कोश है, प्राणमय कोश है, बस अन्न और प्राण, ज्ञानमय कोश, विज्ञानमय कोश और आनंदमय कोश, ये है ही नहीं उनके लिए। तो ये है मूढ़ योनि, जहां पर केवल अन्न और प्राण, खाना है क्योंकि जीना है। सो समवन हु इज ओनली ईटिंग टू लिव, यस That's it. There is nothing else. जैसे महाभारत हमें कहता है कि आहार निद्रा भय मैथुनम च सामान्य एतत् पशुभिर नराणाम धर्मो हि तेषाम अधिको विशेषः धर्मेण हीन पशुभिर समानः। So, अगर कोई आहार निद्रा भय मैथुन में ही रह गया तो फिर क्या होगा, वो मूढ़ योनि को प्राप्त करने के लिए इज क्वालिफाइड बिकॉज उसको अपने जीवन में आगे कुछ चाहिए ही नहीं। As we had said yesterday, कि जैसे भी एक जीव अपने शरीर को त्याग करेगा वैसे ही तो अगला जीवन पाएगा। सो प्रलय पे अगर रजोगुण है तो मनुष्य योनि, प्रलय पे उसके पिछले शरीर के अंत में अगर तमोगुण है तो श्वपद योनि या फिर पक्षी योनि, कृमि कीटक योनि, जलचर योनि, ये सब योनियां वो प्राप्त करता है। दिस इज साइंस, थैंक यू वेरी मच। अरे Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama,